इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था या उनके माता जी का क्या नाम था, तब आप आराम से इन सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान श्री राम जी की बहन का क्या नाम था, तब आपका पहला सवाल यही होगा कि उनकी बहन भी है। शायद आप भगवान श्री राम जी की बहन के बारे में बहुत कम जानते होंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राम जी की एक बहन भी थी। आज भी बहुत जगह पर उनकी पूजा की जाती है। चलिए आज मैं आपको भारत के उस मंदिर के बारे में बताता हूँ जहाँ भगवान श्री राम जी की बहन की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। आपको भारत में ऐसी कई जगहें दिखाई देंगी जहाँ भगवान श्री राम की पूजा की जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहाँ मुख्य रूप से उनकी बहन की पूजा होती है। हिमाचल में कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर एक प्राचीन मंदिर है जहाँ उनकी बहन शांता की प्रतिदिन पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी की बहन शांता उनसे बड़ी थी। बहुत से लोगों का मानना है कि उनके जन्म के बाद राजा दशरथ का वंश चलाने के लिए उनकी कोई पुत्र संतान नहीं थी। इसके बाद राजा दशरथ ने ऋषि जी से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का आदेश दिया। यज्ञ होने के कुछ समय बाद राम जी, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। इनका उल्लेख रामायण में भी देखने को मिलता है। वो इन चार भाइयों में सबसे बड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि शांता दशरथ जी और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें कौशल्या की बड़ी बहन वार्ष्णेय ने गोद ले लिया था। कई लोगों का मानना है कि वार्ष्णेय की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने शांता को गोद लेने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे देखते हुए राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी को सौंप दी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शांता को वेदों और कलाओं के साथ साथ शिल्प का भी ज्ञान था। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि शांता की शादी श्रृंग ऋषि से हुई थी। साथ ही भगवान श्री राम जी की बहन अंग देश की भी रानी थी। कुल्लू के शांता मंदिर में देवी के साथ साथ उनके पति की भी पूजा होती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।